एक महिला बहुत ही धार्मिक थी और बहुत ज़्यादा भजन सिमरन और सेवा भी करती थी। किसी को कभी गलत न बोलना, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक चीज से दुखी थी कि उसका आदमी उसको हर रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी, लेकिन उस आदमी का यह रोज का काम था झगड़ा करना। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से अर्ज की कि हे गुरुदेव, मुझसे कौन सी भूल हो गई है। मैं सत्संग भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके हुक्म के अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा आदमी मुझे रोज मारता है, मैं क्या करूँ। गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है। महिला ने कहा, हाँ जी देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा, अब शायद गुरु की कोई दया मेहर हो जाए और वो उसका आदमी मारना पीटना छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका आदमी तो हर रोज की तरह अपने घरवाले की पिटाई करता। कुछ साल और निकल गए। उसने फिर गुरु महाराज जी से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज पीटता है, मेरा कसूर क्या है। गुरु महाराज जी ने फिर कहा, क्या वो तुम्हें रोटी देता है। उस महिला ने कहा, हाँ जी देता है। तो गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत निराश हुई कि आज भी प्रश्न का जवाब नहीं मिला। वो घर आ गई, लेकिन उसके पति का स्वभाव वैसा का वैसा ही रहा। वह हर रोज से लड़ाई झगड़ा करता। वो महिला बहुत तंग आ गई। कुछ एक साल गुजरे, फिर गुरु महाराज जी के पास गई कि वो मुझे अभी भी मारता है, मेरे हाथ की हड्डी भी टूट गई है, आखिर मेरा कसूर क्या है। मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा। गुरु महाराज जी ने कहा, वो तुझे रोटी देता है। उसने कहा, हाँ जी देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, परंतु इस बार वो महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी, आखिर मेरा कसूर क्या है, बता दो। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। महाराज जी कुछ देर शांत हुए और फिर बोले, बेटी तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तू उसकी सौतेली माँ थी, तू रोज सुबह को शाम को उसको मारती रहती थी और उसको कई कई दिनों तक भूखा रखती थी। शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर महिला एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा जो कर्म तूने किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें अवश्य करना ही पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज जी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच को जान गई थी। हमारी जिंदगी में भी जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा। किसी ने सच ही कहा है, कर्म का फल आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा।